नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए हैं गाड़ी सिखाने के लिए। एक नया बंदा है जो हमारे सब्सक्राइब भी रह चुके हैं और वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। आज उनकी रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें भी गाड़ी सीखनी है, तो आज मैं उन्हीं को गाड़ी सिखाने वाला हूँ और उनको बेसिक नॉलेज से लेके आखिर तक सब चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें गियर शिफ्ट करना होता है, एक्सीलेटर से लेके ब्रेक और क्लिच की नॉलेज देंगे। और आज हम इनको सिखाने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो आइए मिलवा देते हैं इनसे। हमारे साथ में आए हैं लक्की कुमार जी, इनको हम सिखाने वाले हैं। तो काफ़ी दूर से आए हैं, इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते ही हमसे कॉन्टैक्ट करा था, तो हम इन्हीं को सिखाने वाले हैं। गाइस आज सीखेंगे हमारे गुरु जी हमें कैसे गाड़ी सिखाएंगे, तो चलते हैं गाइस सीखने की तरफ। सब्सक्राइब सभी करें गाइस और बने रहें वीडियो में। गाड़ी की तरफ और बताते हैं इनको इस तरीके और उसके बारे में। आप देख सकते हो सामने ये पहला पेंडल है, इसको A4, A, B और C बोलते हैं जी। पहला नंबर है हमारा एक्सीलेटर, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, C4 क्लिच है। तो ये आप देख सकते हो है जी। यहाँ पे हॉर्न है इस तरह से, ये हॉर्न बजता है और आगे ये है हमारा गियर लीवर है, इसको गियर शिफ्ट करते हैं। अब उस साइड से हम आ जाते हैं, आप बैठिए। ये बैठ चुके हैं सीट पर और आपको पैर, ये जो पैर है यहाँ पर रखना है आपको बीच में, इस तरह से पैर रखना है, यहाँ रखना है पैर ये, और ये इस तरह से पैर चलना है। और पल्ला वाला हमारा जो पैर रहेगा लेफ्ट वाला, उससे हम क्लिच दबाएंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से यूज करना है जी। लीवर है जिसको हैंड ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक हैंड ब्रेक अगर हमें पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ी करनी है या रोड पे भी कहीं खड़ी करनी है तो हमें हैंड ब्रेक लगा कर रखना पड़ता है इस तरह से। और जब हम रिलीज करना होगा इस बटन को दबाएंगे और नीचे कर देंगे, हमारा रिलीज हो जाएगा। गियर शिफ्टिंग है जी, इसको हम गियर शिफ्ट कैसे करेंगे वो बताएंगे जी। तो गियर शिफ्ट करने के लिए हमें क्लिच को दबाना पड़ता है जी। तो पहला गियर जो हमारा आगे पड़ेगा इस साइड से जी। दूसरा गियर हमारा पीछे पड़ेगा जी। तीसरा हमारा बीच में पड़ेगा। आज आपके लिए इतना ही, आगे हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में किस तरह से करना है। तो आप जो देख सकते तीसरा पंडल, इसको दबाना है हमें क्लिच के लिए। तो आप अब जो गाड़ी को स्टार्ट कर लो, गाड़ी स्टार्ट मतलब चलाने से पहले सीट बेल्ट यूज कर लो। सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी होता है। ओके बॉस, पहले थोड़ा सी ऑन करो गाड़ी को, हल्का सा ऑन करो। ऑन करने के बाद में थोड़ा सा रुकना पड़ता है जिससे हमारा बैटरी पे जो लोड होता है वो सारा कन्वर्ट हो जाए, एक साथ लोड ना पड़े। उसके बाद में अब हमें, आप गाड़ी स्टार्ट करो, हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है। क्लिच दबा के पहला गियर शिफ्ट करो, इस तरह से होगा। अब धीरे धीरे क्लिच छोड़नी है, पहले हम अपना ये हैंड ब्रेक को रिलीज करो। धीरे धीरे क्लिच छोड़नी है, रेस नहीं देनी है बिल्कुल भी, आगे गाड़ी भी है देख के चलना है। रेस कम करो आराम से इस तरह से आराम से चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। करो सीधा इस तरह से, यहाँ अपने हैंडल को यहाँ रहने दो सीधा, आराम से चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार ही चला रहे हो जी? जैसा पहली बार चला रहे हो तो ठीक चला रहे हो। अच्छा, गाड़ी चलाने में कोई ऐसा वो नहीं है, अपने फंक्शन याद होने चाहिए। थोड़ा सा डर लग रहा है बट नहीं, सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से। गाड़ी रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले हमें क्लिच को दबाना होगा जी। क्लिच दबाइए आप और धीरे धीरे ब्रेक लिए, धीरे धीरे इस तरह से गाड़ी को रोक सकते हैं। अब दोबारा चलाइए, थोड़ा साइड से लगाइए इस तरह से बस सीधा रहने दो, सीधा थोड़ा सा। क्लिच
क्लिच दबाइए पूरी, ब्रेक लिए दौड़ थोड़ा थोड़ा, बस बस अब हैंड ब्रेक लगाइए, गियर लीवर को तरफ बीच में करो इसको गियर को, बस अब अपना क्लिच से पैर हटा लो, स्टॉप करके पहले चाबी स्टॉप, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गियर न्यूट्रल हो गया है ना तो गाड़ी चलेगी नहीं, आप क्लिच से पैर हटा सकते हैं, इतना ही काम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज फर्स्ट टाइम थे इनका, इसलिए इजी से इन्होंने गाड़ी चला ली है, तो आप भी चला सकते हो गाड़ी, तो इतनी बड़ी वो बात नहीं है, और हम इनसे ही पूछ लेते हैं आप इनको कैसा लगा गाड़ी चलाकर, आपको कैसा लगा गाड़ी चलाकर? भाई फर्स्ट टाइम चलाया बट अच्छे से चला ली, मेरे को तो डर लग रहा था कि चला ही नहीं पाऊंगा, बट चला ली फिर भी, इतना इजी से सिखाया अपने अच्छे बेसिक ही, मैं तो इजी सीख गया, ऐसे लग रहा है कि तो पता नहीं कितने टाइम बाद मतलब रेगुलर चला रहा हूं, ऐसे फील हो रहा है मेरे को, तो फर्स्ट टाइम चलाया हूं, मतलब अच्छे वे में सिखाया है इन्होंने, तो ऐसे अगर कंटिन्यू रहोगे तो सही से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल मिलेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।